आपने देखा कि दिवालिया की कंडीशन में लेखक और स्वीकर्ता की पुस्तकों में क्या प्रभाव पड़ता है, किस तरह से पंजी प्रविष्टियां हम उनकी पुस्तकों में अलग अलग करते हैं। अब हम बात करें अनुग्रह विपत्र की। अभी तक हम देख रहे थे कि इस पूरे विनिमय विपत्र की प्रक्रिया में दो पक्षकार हो रहे थे, लेखक और स्वीकर्ता। लेखक वो व्यक्ति था जिसने माल बेचा था, स्वीकर्ता वो व्यक्ति था जिसने माल खरीदा था। अपने आप में इसका एक सीधा सीधा उद्देश्य था। एक तो क्रेता जो है उसके पास पैसा नहीं था, उधार उसको माल की ज़रूरत थी, विपत्र पर स्वीकृति देकर वो उधार माल प्राप्त कर लेता है। दूसरी कंडीशन लेखक के लिए भी एक काफ़ी फ़ायदेमंद होता है, क्योंकि उधार देकर वो अपने व्यापार में थोड़ा सा विस्तार कर पाता है, और जब वो विपत्रों के माध्यम से उधार देता है तो उस उधार धनराशि की या फिर उधार दी गई धनराशि की वापस प्राप्त होने की पूरी संभावना बनी रहती है। तो कुल मिलाकर दोनों का अपना एक व्यक्तिगत उद्देश्य था, चाहे लेखक की हम बात करें या स्वीकर्ता की। लेकिन जब हम बात करते हैं अनुग्रह विपत्र की, तो इसकी पूरी की पूरी प्रक्रिया सामान्य विपत्रों की तरह ही चलती है, लेकिन इसका उद्देश्य थोड़ा सा अलग हो जाता है। अनुग्रह विपत्र के लिखने या स्वीकृति देने का उद्देश्य क्रय विक्रय ना होकर किसी व्यापारी को लाभ पहुंचाने के दृष्टिकोण से लिखा गया विपत्र होता है। इसमें हम ये नहीं कह सकते कि एक पक्षकार क्रेता है या दूसरा पक्षकार विक्रेता है, यानी हम कहें तो सीधा सीधा एक प्रकार का ये नाटक है, जिसमें एक लेखक व्यापारी बनकर जो विक्रेता होता है, विक्रेता बनकर एक लेखक बनकर एक व्यापारी विपत्र लिखता है, और दूसरा जो व्यापारी होता है वो स्वीकर्ता बनकर उसे स्वीकार कर लेता है। बाद में उसी स्वीकृत विपत्र को जो लेखक बनकर जिस व्यापारी ने लिखा था, धारक ने लिखा था, बैंक से भुनाकर रकम को वो प्राप्त कर लेता है। यानी वास्तव में व्यापारी अपने कुछ पर्सनल उद्देश्य के लिए, पर्सनल प्रॉफिट के लिए इस तरह का विपत्र एक दूसरे पर लिखते हैं। तो ये जो विपत्र होते हैं वो अनुग्रह विपत्र कहलाते हैं। आइए अनुग्रह विपत्र से संबंधित कुछ क्रियात्मक प्रश्नों को हल करें। 1 जनवरी 2006 को ए तथा बी ने 1000 रुपए का 3 माह का विपत्र एक दूसरे पर पारस्परिक लाभ के लिए आहरित किया तथा उसे अपने बैंक से 6% वार्षिक ब्याज की दर से बट्टे पर भुना लिया। परिपक्वता तिथि पर विपत्र का भुगतान एक दूसरे ने कर दिया। ए तथा बी की पुस्तकों में जनरल के आवश्यक लेखे कीजिए। यहाँ हम देख रहे हैं कि सबसे पहले तो ए और बी दो पक्षकार हैं। ए ने बी पर एक विपत्र लिखा, इसका मतलब ये है कि ए जो है वो लेखक है और बी जो है वो स्वीकर्ता है। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग स्टेप बाय स्टेप जनरल एंट्री करते जाएंगे। सबसे पहले हम ए की बुक में एंट्री करेंगे। तो फर्स्ट एंट्री जो 1 जनवरी की है, विपत्र स्वीकृत होकर प्राप्त होने की, वो हो जाएगी ए की पुस्तक में बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू बीस अकाउंट, क्योंकि नॉर्मली यहाँ पर हमारी जनरल एंट्री होती है बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू एक्सेप्टर्स पर्सनल अकाउंट। एक्सेप्टर जो है, स्वीकर्ता जो है वो बी है, तो यहाँ हम जनरल एंट्री करेंगे बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू बीस अकाउंट, और नरेशन यहाँ हम लिखेंगे बीइंग एक्सेप्टेंस रिसीव, और अमाउंट यहाँ हम लिखेंगे 1000। उसके बाद हम यहाँ पर देख रहे हैं कि प्रश्न में दिया गया है कि 3 माह का विपत्र एक दूसरे पर पारस्परिक लाभ के लिए आहरित किया, यानी हमने देखा था अनुग्रह विपत्र ये जो है अकमेंडेशंस बिल है, ये एक प्रकार का जिसमें दोनों ही पक्षकार एक दूसरे को लाभ पहुंचाने की दृष्टि से लिखते हैं, और हमने वीडियो में देखा था कि ये ऐसा विपत्र है जिसको एक व्यक्ति जो है वो दूसरे व्यक्ति पर लिखता है और दूसरा व्यक्ति बिना किसी प्रतिफल के इसे स्वीकार कर लेता है। यही हमने जाना था कि जो लिखने वाला व्यक्ति होता है वो विपत्र को अपने बैंक से भुना लेता है और प्राप्त राशि का उपयोग वो कर लेता है। तो इसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पर सेकेंड एंट्री जो है वो एक्सेप्टेंस गिवन के भी करेंगे, क्योंकि दो पक्षकार जो है दोनों अपने प्रतिफल के लिए इसको लिख रहे हैं, प्राप्त कर रहे हैं इसको। तो फिर से हम 4 जुलाई की इसकी एंट्री करेंगे 20 अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल अकाउंट, और एक्सेप्टेंस देने की एंट्री हम यहाँ पर करेंगे। जिस तरह से हम स्वीकर्ता के बुक में अलग से एंट्री करते थे, बिल्कुल वैसे ही एंट्री हम यहाँ पर, हालांकि ए लेखक है लेकिन एक तरीके से दूसरे पक्षकार से वो यहाँ पर स्वीकर्ता
माना जाएगा। तो इस तरह से हम एंट्री करेंगे बीस अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल अकाउंट, और नरेशन हम लिखेंगे बीइंग एक्सेप्टेंस गिवन, और 1000 से हम इसकी एंट्री करेंगे। फिर हम देख रहे हैं कि बैंक से 6% प्रतिवर्ष की दर से ये बट्टे पर भुना लिया गया है, और दूसरी बात कि 3 माह की अवधि का ये विपत्र था। तो यहाँ पर हम इसकी कैलकुलेशन कर देंगे 1000 इंटू 6% इंटू 3 डिवाइडेड बाई 12 इंटू 100, और 15 रुपीज हमको यहाँ पर डिस्काउंट मिल जाएगा। तो यहाँ पर हम बिल को भुनाने की जो एंट्री होती है नॉर्मल लेखक के यहाँ, वो एंट्री हम यहाँ पर करेंगे। तो यहाँ पर जनरल एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट, और यहाँ हम बैंक में जो एंट्री करेंगे वो हो जाएगी 1000 माइनस 15 यानी कि 985, और डिस्काउंट क्योंकि हमने कैलकुलेट किया 15 रुपीज, तो 15 रुपीज हम डिस्काउंट में लिखेंगे, और टोटल अमाउंट जो है 1000 की वो हम क्रेडिट साइड में लिखेंगे बिल्स रिसीवेबल अकाउंट के। उसके बाद अप्रैल 4th को हम यहाँ पे जबकि उस पर विपत्र प्राप्त भुगतान प्राप्त हो जाएगा, तो हम यहाँ पर एंट्री करेंगे बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, और 1000 से हम इसको क्लोज कर देंगे। ठीक इसी तरह से हम बी के पुस्तकों में एंट्री करेंगे जब उसको एक्सेप्टेंस, क्योंकि यहाँ हम देखें तो एक्चुअली कोई क्रेता और विक्रेता होता नहीं है, दोनों एक दूसरे के लाभ के लिए एक दूसरे को वित्तीय सहायता पहुंचाने के लिए इस तरह का कार्य करते हैं। तो यहाँ पर जब हम बी के पुस्तक में जनरल एंट्री करेंगे तो ये एंट्री हो जाएगी ए डेबिट टू बिल्स पेबल अकाउंट, और एक्सेप्टेंस रिसीव हम यहाँ पर इसकी नरेशन भी यही लिखेंगे, और 1000 से हम इसकी एंट्री करेंगे। सेकेंड यहाँ पर फिर से हम एक्सेप्टेंस रिसीव की जब एंट्री करेंगे तो ये हो जाएगा बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू एस अकाउंट 1000। सेम इसी तरह से जैसे कि ए ने इस पर राशि प्राप्त की थी वैसे बी अगर राशि प्राप्त करेगा तो वो अपने बुक में जनरल एंट्री करेगा बैंक अकाउंट डेबिट डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। बैंक अकाउंट के डेबिट साइड में हम 985 लिखेंगे, डिस्काउंट के डेबिट साइड में हम 15 लिखेंगे, और बिल्स रिसीवेबल अकाउंट हम 1000 लिखेंगे। 4th अप्रैल को हम देख रहे हैं कि बिल्स पेबल जब इस पे रिसीव होगा पैसा तो यहाँ पर एंट्री हो जाएगी बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, और 1000 से हम इसकी एंट्री करेंगे। पारस्परिक सहायता के लिए एक्स ने 1 जनवरी को वाई द्वारा लिखा हुआ 15000 रुपए की राशि का 3 माह का की अवधि का एक विपत्र स्वीकृत किया। Y ने विपत्र को 13,500 रुपए में तुरंत भुना लिया और प्राप्त राशि का 1/3 भाग X को भेज दिया। देय तिथि से पहले Y ने देय राशि X को भेज दी जिससे कि वह विपत्र का भुगतान कर सके। X ने देय तिथि पर विपत्र का भुगतान कर दिया। X और Y के पुस्तकों में आवश्यक प्रविष्टियां कीजिए और खाते बनाइए। इस क्वेश्चन में हम देख रहे हैं कि हमने अनुग्रह विपत्र के समय वीडियो में देखा था कि किस प्रकार कई बार पारस्परिक सहायता के लिए बिल लिखे जाते हैं जबकि किसी प्रकार का कोई उधार क्रय विक्रय नहीं किया जाता है, तो उसी पर आधारित ये प्रश्न है। यहाँ पर एक्स ने वाई पर एक विपत्र, एक फॉर्मेलिटी के लिए एक विपत्र लिखा है क्योंकि वो उस जो विनिमय विपत्र है उस पर वो कुछ राशि प्राप्त करना चाहता था, तो उसने सबसे पहले तो 15,000 का एक विपत्र क्योंकि वाई पर लिखा। हालांकि इस तरह से कोई लेन देन नहीं हुआ रहता पारस्परिक विपत्र की कंडीशन में, लेकिन फिर भी जब एक्स वाई पर अगर विपत्र लिखता है तो एक्स जो है यहाँ पर स्वीकर्ता है और वाई जो है वो लेखक है। तो सबसे पहले हम लेखक यानी कि वाई की बुक में एंट्री करेंगे, और यहाँ पर हमारी फर्स्ट एंट्री होगी बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू एक्स, क्योंकि यहाँ पर हमने उसकी स्वीकृति प्राप्त की है, तो एक्सेप्टेंस रिसीव हम यहाँ पर नरेशन लिखेंगे और 15,000 से हम इसकी एंट्री करेंगे। सेकेंड जब बिल को ये भुना लेता है क्योंकि केवल फॉर्मेलिटी के लिए बिल लिखे गए हैं ताकि उस बिल की जो अमाउंट है उसको कैश किया जा सके, तो नॉर्मल भुनाने की जो एंट्री होती है बैंक से वही एंट्री ये जो वाई है लेखक है वो अपनी पुस्तक में करेगा। तो यहाँ पर जनरल एंट्री हो जाएगी 1 जनवरी को बैंक अकाउंट डेबिट डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट, और नरेशन हम लिखेंगे बिल डिस्काउंटेड या डिस्काउंटेड बिल। और 15,000 का ये बिल था और इसको क्योंकि 13,500 में भुनाया गया यानी कि जो बैलेंस अमाउंट है 15,000 माइनस 13,500 ये जो डिफरेंस की अमाउंट है ये हम डिस्काउंट मान लेंगे, और डिस्काउंट मान के हम इसको डिस्काउंट अकाउंट के डेबिट में लिखेंगे,
और बैंक अकाउंट के डेबिट में हम लिखेंगे 13,500 और बिल्स रिसीवेबल के क्रेडिट में हम लिखेंगे 15,000। अब जबकि थर्ड जो प्रोसेस है जहां पर प्राप्त राशि का 1/3 भाग एक्स को भेज दिया गया, क्योंकि प्राप्त राशि जो है वो टोटल 15,000 बिल की प्राप्त हुई है और इसका 1/3 जो भी उनका समझौता हुआ होगा उसके अकॉर्डिंग 1/3 इसका जो हिस्सा है यानी कि 5,000 जो है वो एक्स को भेजना है, तो यहाँ पर जो डिस्काउंट है वो भी उसी तरह से चार्ज किया जाएगा। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि 500 का डिस्काउंट, क्योंकि अगर 1500 टोटल डिस्काउंट की अमाउंट है तो 1/3 उसका हो जाएगा 1500/3 यानी कि 500, तो एक्स के हिस्से का जो डिस्काउंट है वो 500 हो जाएगा और टोटल जो बिल्स ऑफ एक्सचेंज था वो 15,000 का था, इसका 1/3 हमको एक्स को भेजना है, तो 15,000/3 मतलब 5,000 उसको भेजना है। तो यहाँ पर हमारी जनरल एंट्री हो जाएगी एक्स डेबिट टू बैंक अकाउंट टू डिस्काउंटिंग चार्जेस अकाउंट और नरेशन हम लिख सकते हैं 1/3 प्रोसेस ऑफ बिल सेंड 4,500 जो है इसका, क्योंकि 5,000 का टोटल बिल था, 500 इसमें डिस्काउंट हो गया तो 4,500 को हम बैंक अकाउंट के क्रेडिट में लिखेंगे, डिस्काउंट को हम क्रेडिट साइड में लिखेंगे 500 और टोटल जो अमाउंट है 5,000 उसको हम डेबिट साइड में एक्स के अकाउंट के डेबिट में लिखेंगे। अब नेक्स्ट जो होगा यहाँ पर जो कि 2/3 अमाउंट जो थे बिल की वो एक्स को जब भेजा जाएगा तो यहाँ पर हम नॉर्मल एंट्री करेंगे, जो रिमेनिंग पार्ट है उसका 15,000 का 5,000 पहले भेजा और फिर 10,000 है, तो यहाँ पर देय तिथि पर जो भी उसकी देय तिथि होगी वहां पर हम उसकी एंट्री करेंगे एक्स को भेजने की और यहाँ हमारी जनरल एंट्री हो जाएगी एक्स डेबिट टू बैंक अकाउंट 2/3 अमाउंट ऑफ द बिल सेंड टू एक्स 10,000 से। तो ये तो हमने Y के बुक में एंट्री की, Y जो कि लेखक है। अब ऐसे ही एंट्री हम स्वीकर्ता की बुक में करेंगे, तो स्वीकर्ता यानी कि X की पुस्तक में जब हम एंट्री करेंगे तो सबसे पहले तो वो विपत्र पे स्वीकृति देगा, तो विपत्र पर स्वीकृति देने के लिए वो जनरल एंट्री करेगा लेखक डेबिट दे विपत्र खाता से यानी कि Y डेबिट टू बिल्स पेबल अकाउंट एक्सेप्टेंस गिवन 15,000 से। उसके बाद जब विपत्र को का 1/3 भाग जब वो प्राप्त करेगा, एक्स जब प्राप्त करेगा किससे प्राप्त करेगा, वाई से, वाई जो कि लेखक है, तो वो, और ये भी ध्यान में रखना है कि यहाँ पर डिस्काउंट भी था तो यहाँ पर हमारी जनरल एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू वाई 4,500 की जो अमाउंट है जैसे कि हमने कैलकुलेट किया था लेखक के पुस्तक में जब हम एंट्री कर रहे थे तो 4,500 की अमाउंट जो है वो बैंक अकाउंट के डेबिट में आ जाएगी, डिस्काउंट के जो अमाउंट है 500 वो डिस्काउंट अकाउंट के डेबिट में आ जाएगी और वाई के अकाउंट के क्रेडिट में आ जाएगी 5,000 1/3 प्रोसेस ऑफ बिल रिसीव। उसके बाद जो टोटल अमाउंट 10,000 जब उसकी ड्यू डेट पे जब हम पे करेंगे तो यहाँ पर नॉर्मल हमारी रिसीव की जो एंट्री होती है बिल्स पे वही एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू वाई और 10,000 से हम इसकी एंट्री करेंगे और नरेशन हम इसमें लिखेंगे 2/3 कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय वाई रिसीव। उसके बाद जब एक्सेप्टेंस होता है ड्यू डेट को तो उसके लिए फॉर्मल एक हम एंट्री करेंगे यहाँ पर जिसमें बिल्स रिसीवेबल अकाउंट टू बैंक अकाउंट से इसकी एंट्री करेंगे और 15,000 से हम इसकी नॉर्मल एंट्री पास कर देंगे। 1 जुलाई 2006 को 10,000 रुपए का ए द्वारा आहरित बिल अस्थायी सहायतार्थ स्वीकार करता है जो तिथि से 3 माह बाद दिए हैं। ए यह बिल अपने बैंक से 9,900 में बट्टे पर भुना लेता है। 3 माह बाद ए 10,000 रुपए का बी को 3 माह बाद ए 10,000 रुपए बी को भेज देता है। बी इस विपत्र का भुगतान कर देता है। ए तथा बी के जनरल में लेखे कीजिए। हमने देखा कि जो अनुग्रह विपत्र होते हैं वो किसी भी प्रकार से उधार क्रय या विक्रय के लिए नहीं लिखे जाते बल्कि एक व्यापारी द्वारा दूसरे व्यापारी को सहायता पहुंचाने के दृष्टिकोण से लिखे जाते हैं। ऐसी कंडीशन में जो दो पक्षकार होते हैं दोनों पक्षों की बहियों में प्रविष्टियां की जाती है। फिलहाल यहाँ पर हम सबसे पहले एंट्री करेंगे बी की पुस्तकों में जिसने की अनुग्रह विपत्र एक सहायता के रूप में स्वीकार किया है, तो फर्स्ट एंट्री बी की पुस्तक में हो जाएगी बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू ए 10,000 का ये विपत्र था। ए से जब विपत्र स्वीकृत होकर प्राप्त होगा तो यहाँ पर ये एंट्री हो जाएगी ए डेबिट टू बिल्स पेबल अकाउंट और 10,000 की एंट्री होगी और बी व्यापारी जब इसको बैंक से बट्टे पर भुना लेगा विपत्र की रकम को प्राप्त कर लेगा
तो ऐसे कंडीशन में वो अपनी बुक में एंट्री करेगा बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। 10,000 का ये विपत्र था और 9,900 में ये भुना लिया गया है, यानी कि 100 रुपीज इसमें डिस्काउंट कैलकुलेट कर लिया गया है। तो यहाँ पर जब हम एंट्री करेंगे तो हमको विशेष रूप से ध्यान में रखना है कि बैंक अकाउंट के डेबिट साइड में हमको 9,900 की अमाउंट लिखनी है, डिस्काउंट अकाउंट के डेबिट में 100 लिखना है और बिल्स रिसीवेबल अकाउंट के क्रेडिट में 10,000 रुपीज लिखना है। और जब इस पर विपत्र पर भुगतान प्राप्त होगा तो ऐसे कंडीशन में बी के पुस्तक में एंट्री हो जाएगी बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट और 10,000 से हम इसकी एंट्री करेंगे। और ए के पुस्तक में हम जनरल एंट्री करेंगे बीस अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल अकाउंट, 10,000 से हम इसकी एंट्री करेंगे। विपत्र पर स्वीकृति के लिए हम एंट्री करेंगे बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू बीस अकाउंट। विपत्र पर भुगतान प्राप्त करने के लिए हम एंट्री करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट 9,900, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट 100 से और बिल्स रिसीवेबल अकाउंट के क्रेडिट में 10,000 से हम इसकी एंट्री करेंगे। और पेमेंट के कंडीशन में ए के पुस्तक में एंट्री हो जाएगी बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। पहला, बिल की अवधि का पूर्व भुगतान रिटायरिंग अंडर रिबेट। इस कंडीशन में लेखक के पुस्तक यानी कि ड्रॉवर के बुक में पंजी प्रविष्टि की जाती है कैश अकाउंट डेबिट रिबेट अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। स्वीकर्ता की बहियों में इस कंडीशन में जबकि बिल की अवधि का पूर्व भुगतान होता है जनरल एंट्री होती है बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट टू रिबेट अकाउंट। बेचान पात्र की बहियों में इस कंडीशन में एंट्री होगी यदि विपत्र बेचान पात्र के पास हो तो जनरल एंट्री होगी कैश अकाउंट डेबिट रिबेट अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। दूसरा, अनादरण के कंडीशन में यदि बिल लेखक के पास हो तो लेखक के पुस्तक में प्रविष्टि होगी ड्रॉवर्स अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। स्वीकर्ता के पुस्तक में एंट्री होगी बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू ड्रॉवर्स अकाउंट। अनादरण के कंडीशन में यदि बिल बैंक लेखक के पास हो और आलोकन कराया गया हो तो लेखक के पुस्तक में पंजी प्रविष्टि की जाएगी ड्रॉवी अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट टू कैश अकाउंट। स्वीकर्ता के पुस्तक में एंट्री होगी बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट नोटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट टू ड्रॉवर्स अकाउंट। तीसरी कंडीशन में अनादृत बिल यदि बिल बैंक से बुनाया गया हो लेखक के पुस्तक में पंजी प्रविष्टि की जाएगी ड्रॉवी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट विथ नोटिंग चार्जेस। स्वीकर्ता के पुस्तक में पंजी प्रविष्टि की जाएगी बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट नोटिंग चार्जेस डेबिट टू ड्रॉवर नेम। अनादरण के कंडीशन में अगर बिल बेचान किया गया हो तो लेखक के पुस्तक में पंजी प्रविष्टि होगी ड्रॉवी डेबिट टू इनरोजर अकाउंट विथ नोटिंग चार्जेस। स्वीकर्ता के पुस्तकों में पंजी प्रविष्टि की जाएगी बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट नोटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट टू ड्रॉवर्स अकाउंट। बेचान पात्र के पुस्तकों में पंजी प्रविष्टि की जाएगी एनरोजर अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट टू कैश अकाउंट नोटिंग चार्जेस। तीसरी कंडीशन में जबकि बिल का नवीनीकरण कराया गया हो इसमें इस कंडीशन में जबकि पुराने बिल के अप्रतिष्ठित होने पर नवीनीकरण किया गया हो बिना नोटिंग के अथवा अप्रतिष्ठित या नोटिंग होने पर लेखक के पुस्तक में पंजी प्रविष्टि की जाएगी ड्रॉवी अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट या ड्रॉवी नेम अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट टू कैश अकाउंट विथ नोटिंग चार्जेस। स्वीकर्ता के पुस्तकों में पंजी प्रविष्टि की जाएगी बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू ड्रॉवर अकाउंट। बिल के अप्रतिष्ठित होने पर बिना नोटिंग के अथवा अप्रतिष्ठित एवं नोटिंग होने पर ड्रॉवी अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट या फिर ड्रॉवी नेम अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट टू कैश अकाउंट विथ नोटिंग चार्जेस। स्वीकर्ता के पुस्तक में जनरल एंट्री होगी
बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू ड्रॉवर्स अकाउंट, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट नोटिंग चार्जेस अकाउंट, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट नोटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट टू ड्रॉवर्स अकाउंट, बेचान पात्र के पुस्तक में एंट्री होगी इंड्रोजर अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट या इंड्रोजर अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट व्हेन नोटिंग चार्जेस पेड। बी आंशिक रकम की प्राप्ति पर लेखक के पुस्तक में पंजी प्रविष्टि होगी कैश अकाउंट डेबिट टू ड्रॉवी अकाउंट, स्वीकर्ता के पुस्तक में पंजी प्रविष्टि होगी ड्रॉवर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। सी ब्याज के लिए शेष रकम पर नए विपत्र के अवधि के लिए अथवा ब्याज नगद मिलने पर नया विपत्र लिखने पर लेखक के पुस्तक में पंजी प्रविष्टि की जाएगी ड्रॉवी अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट, कैश अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट या बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू ड्रॉवी अकाउंट। स्वीकर्ता के पुस्तकों में पंजी प्रविष्टि की जाएगी ड्रॉवर अकाउंट डेबिट टू ड्रॉवर अकाउंट, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ड्रॉवर्स अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल अकाउंट। फोर्थ अनुग्रह विपत्र की आंशिक रकम भेजने पर लेखक के पुस्तकों में पंजी प्रविष्टि की जाएगी ड्रॉवर्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट टू डिस्काउंट अकाउंट, स्वीकर्ता के पुस्तकों में पंजी प्रविष्टि की जाएगी कैश अकाउंट डेबिट डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू ड्रॉवर्स अकाउंट। फिफ्थ दिवालिया होने पर बिल के अनादरण के प्रविष्टि करने के पश्चात आंशिक भुगतान प्राप्त होने पर लेखक के पुस्तक में प्रविष्टि की जाएगी कैश अकाउंट डेबिट बैड डेब्ट अकाउंट डेबिट टू ड्रॉवी अकाउंट, स्वीकर्ता के पुस्तकों में प्रविष्टि की जाएगी ड्रॉवर्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट टू डेफिशिएंसी अकाउंट। तो इस पूरे अध्याय में हमने विनिमय विपत्र के अन्य क्रम, जिसे कि हम पार्ट वन में हमने नहीं पढ़ पाया था, उस सब के बारे में हमने जानकारी हासिल की। इसमें हमने देखा कि विपत्र का पूर्व प्रापण क्या होता है, यानी कि रिटायरिंग ऑफ बिल, किस प्रकार एक स्वीकर्ता व्यापारी जो होता है वो अगर स्थिति बन पाए, उसका सामर्थ्य हो, तो वो भुगतान तिथि के पहले भुगतान करने को तैयार हो जाता है, जिसे हम कहते हैं विपत्र का पूर्व प्रापण। हमने देखा कि इस कंडीशन में लेखक और स्वीकर्ता के यहाँ किस तरह की प्रविष्टियाँ की जाती हैं। साथ में हमने देखा कि अनादरण की जो प्रविष्टियाँ होती हैं वो अलग अलग कंडीशन में कैसे होती हैं। अनादरण के अंतर्गत हमने आलोकन व्यय के बारे में भी काफ़ी कुछ जाना। अनादरण की जो अलग अलग स्थितियाँ होती हैं उनके अंतर्गत सबसे पहली स्थिति हमने देखी, लेखक के पास अगर विपत्र है तो कौन सी दशा बनती है, क्या क्या प्रविष्टियाँ लेखक और स्वीकर्ता की पुस्तकों में होती है। दूसरा हमने देखा कि अगर विपत्र बैंक से भुना लिया गया हो और उसके बाद अनादरित हो जाए तो क्या कंडीशंस बनती हैं, किस तरह के जर्नल एंट्रीज की जाती हैं। तीसरा हमने ये देखा कि अगर कोई ऐसा विपत्र अनादरित हो जाए जिसे बेचान कर दिया गया था किसी थर्ड पार्टी को, तो ऐसी कंडीशन में कौन कौन सी पंजी प्रविष्टियाँ की जाएंगी। साथ ही साथ इसके अंतर्गत हमने ये भी जाना कि अगर कोई ऐसा विपत्र अनादरित हो जाता है जिसे कलेक्शन के लिए यानी संग्रह के लिए बैंक भेज दिया गया था, तो ऐसी कंडीशन में लेखक के पुस्तक पे और स्वीकर्ता के पुस्तक पर क्या प्रभाव पड़ता है। कोई ऐसा विपत्र जो एकत्रीकरण के लिए बैंक भेज दिया गया था और उसके बाद वो अनादरित हो जाए तो लेखक और स्वीकर्ता के पुस्तक में क्या प्रभाव पड़ता है। अनादरण की इस पूरी प्रक्रिया को हमने काफ़ी डिटेल में जाना, उससे संबंधित क्रियात्मक प्रश्नों को भी हमने देखा। एक नई बात यहाँ पर हमको देखने को मिली, विपत्र का नवीनीकरण, रिन्यूअल ऑफ बिल्स, किस तरह से स्वीकर्ता व्यापारी जरूरत पड़ने पर अपने विपत्रों को रिन्यूअल यानी कि नवीनीकरण करवा सकता है, किस तरह की दशाएं बनती है, कौन कौन सी जर्नल एंट्रीज लेखक और स्वीकर्ता की पुस्तक में की जाती हैं, इसके बारे में भी हमने काफ़ी कुछ जाना। व्यापार की एक दशा दिवालिया वाली जो स्थिति होती है उसके बारे में भी हमने जाना कि अगर स्वीकर्ता व्यापारी दिवालिया हो जाता है, इंसॉल्वेंट हो जाता है, तो फिर क्या किया जाता है, किस तरह की एंट्रीज पास की जाती हैं लेखक और स्वीकर्ता के पुस्तकों में। और साथ ही साथ हमने देखा कि अनुग्रह विपत्र क्या है, एक ऐसे विपत्र के बारे में हमने जानकारी हासिल की जो विपत्र का नाम रखते हुए विपत्र के लिए एक तरह से फॉर्मेलिटी
टाइप से जिसको हम यूज करते हैं। तो ओवरऑल जो विनिमय विपत्र की पूरी कंडीशंस बनती है, किस तरह से उसको लिखा जाता है, कैसे उसको यूज़ किया जाता है, इस पूरे विषय में हमने इन दोनों अध्याय में बहुत काफ़ी अच्छे से जानकारी हासिल की।